उल्ला गुंदेश सड़क की बदहाली को लेकर वाहन चालकों ने एसडीएम व लोनीवी के अधिशासी अभियंता को दिया ज्ञापन। बता दें, नेपाल सीमा को लोहाघाट से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बदहाल हो चुकी सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के वाहन चालकों ने मदन सिंह धोनी के नेतृत्व में लोहाघाट की एसडीएम रिंकू बिष्ट व लोनीवी के अधिशासी अभियंता पीसी भंडारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी, अगर लोनीवी ने जल्द सड़क का सुधारीकरण झाड़ियों का कटान नहीं किया तो क्षेत्र के सभी वाहन चालक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लोनीवी लोहाघाट की होगी। वाहन चालकों ने कहा, इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क में रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, सड़क में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, सड़क किनारे उगी हुई झाड़ियों की वजह से सामने से आने वाला वाहन देख नहीं पाता है, जिस कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गड्ढों की वजह से वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। विभाग से कई बार गुहार लगाने के बाद ही कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिस कारण सीमावर्ती क्षेत्र के वाहन चालक व लोग लोनीवी के खिलाफ आंदोलन का मन बना रहे हैं। वहीं लोनीवी लोहाघाट के अधिशासी अभियंता बीसी भंडारी ने बताया कि उन्होंने शासन को 33 किलोमीटर सड़क सुधारीकरण का 1550 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा है। बजट पास होते ही सड़क में डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य करवा दिया जाएगा तथा झाड़ियों का कटान जल्द ही करवा दिया जाएगा। मालूम हो, गुरुवार को भी वाहन चालकों ने सड़क सुधारीकरण की मांग को लेकर लोनीवी के खिलाफ टैक्सी स्टैंड में प्रदर्शन किया था। ज्ञापन देने में मदन सिंह धोनी, पवन सिंह, नवीन सिंह, विक्रम सिंह, गोविंद सिंह, कैलाश सिंह, राम सिंह आदि शामिल रहे। सियारत में 36 किलोमीटर का करीब 1550 लाख का एस्टिमेट प्रस्ताव अनुमोदित भेजा हुआ है, और अगर प्रस्ताव अनुमोदित होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इसमें फिर हम एस्टिमेट बनाकर शासन को भेजेंगे और धनराशि प्राप्त होने पर इसका पूरा ही एचडीपीसी से सुधार कर लिया जाएगा। सर, जहाँ तक आप झाड़ी कटान की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ बैंडों पर झाड़ी कटान से या ट्रैफिक में दिक्कत हुई उसे हम कटवा देंगे, मतलब की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कब तक हो जाएगी कार्रवाई? इसमें भी हमारा इधर लोहाघाट से आपके देवदार की ओर कुछ काम चल रहा है, उसका इस पर करवाई है। हमारे पास धनराशि सीमित है, धनराशि प्राप्त होने पर हम इन पर भी कार्रवाई सीखेंगे। ठीक, धन्यवाद। लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।